अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली कल का व्लॉग जो आपने देखा था वो कबूतरों के साथ था, और आज जो है एक नया स्पेशल व्लॉग है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने केज की बिल्कुल अब कम्प्लीटली सेटिंग चेंज करने वाले हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सिर्फ बोल ही बोल रहा हूँ, और आज तो मैं करूँगा। क्योंकि मेरे हाथ में ये देखें भाई, क्या ये दो दो तोते, वो भी ग्रीन वाले जो मैं चिक से मुझे गिफ्ट मिले थे वो वाले। और आज तो जो है मैं इसको इनको भी ऊपर ही ले आया हूँ, क्योंकि ना इनके भी सफाई वगैरह करनी थी, गंदे हो रहे थे, तो इस वजह से इनकी भी सफाई ऊपर ही हो जाएगी। और जो ये वाला केज है इसमें जो है इनको दोनों को रखना है, और उसके बाद वो हमारे पास एक फिंच का जोड़ा है वो भी इसी में ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये पूरा कम्प्लीटली ये पिंजरा हो जाएगा, और जो ये असील वाले जो है ना ये चले जाएंगे उस वाले जो हमने नया केज बनाया था, उस केज के अंदर ये असील चले जाएंगे, और जो है ये इधर ही रहेंगे। ये यहाँ पे ये काफ़ी दिन से मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे ही रखूँगा, तो यहीं पर ही अभी आ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे मिट्टी वगैरह डालता हूँ, थोड़ी सी यहाँ से निकाल देता हूँ मिट्टी और इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि अभी मिट्टी वगैरह है नहीं, तो अभी थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं मिट्टी निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी हुई भी जमा, तो यहाँ से थोड़ी मिट्टी निकाल के यहाँ पे डालते हैं पहले ये पिंजरा साफ वगैरह करके फिर। और माशाल्लाह से हमारे मिट्टू भी बहुत शरीफ हैं, काटते वगैरह भी नहीं है। नहीं तो और जो मिट्टू होते हैं ना वो एकदम जो है हमला कर देते हैं, तो ये बस एकदम से करते हैं। उसके बाद जो है ये भी ये नर्म आता है, दोनों पूरा पेयर है हमारे पास, और जो है काटते वाटते नहीं है, बिल्कुल शरीफ हैं। बस अभी इनको ना बातें करना सिखाना है, और वैसे तो ये टेंटे तो करते हैं, बस इनको बोलना सिखाना है अब। तो अभी जो इनकी सेटिंग करने के लिए ही मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, जो ये इनकी सेटिंग उधर करूँगा, और जो ये पिंजरा पूरा आज खाली करना है मुझे। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इनको, तो ये मैंने इनको बाहर निकाल दिया, ये भी बाहर आ गया। तो अब जो है यहाँ से हटा के और मिट्टी वगैरह यहाँ पर कन्वर्ट करनी है थोड़ी सी। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये वाला पिंजरा भी तैयार हो गया, और जो है वो वाला पिंजरा भी तैयार हो गया, दिखाता हूँ मैं यहाँ से। भाई मैंने थोड़ी सी मिट्टी वगैरह निकाली, यहाँ पे मैंने मिट्टी डाल दिया थोड़ी सी, तो दोनों बराबर मिट्टी हो गई है, वहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है बिल्कुल। तो अभी ये वाला गेट यहाँ पर लग जाएगा, और जो है आगे से ये गैलन वगैरह जो होते हैं ये लग जाएगा, तो जैसे यहाँ पर लगता है इसी तरह से यहाँ पर लग जाएगा, फिर ये हमारे दोनों केज कम्प्लीट हो जाएंगे। तो अभी मिट्टी वगैरह भी डाल दिया, तो उधर से भी ढक दिए, तो अभी मैं इनको बंद करता हूँ, पहले चीनी को करता हूँ, उसके बाद जो है असील को करूँगा। इसको ओवर टाइम खोलो ना, तो इस तरह से ये ना मस्तियाँ करते हैं बंद होने में, फिर ना इसका ये वाला गेट लगा देते हैं। अच्छा बाहर आने को वापसी कर रहा था, बोल रहा था भाई बाहर आने दो मुझे वापसी। ये देखो भाई हमारे पास ये एक बचा हुआ था, इसलिए मैंने ये एक ढक दिया और जो है दूसरा हटा दिया, दूसरा हमारा यहाँ गेट भी लग जाएगा, और जो है दूसरी बात ये कि यहाँ से जो हवा का भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी है ना इस वजह से। तो मैंने चीनी मुर्गियों को अपना बंद कर दिया, और जो है ये कंप्लीट कर दिया, फट्टे वगैरह भी ऊपर बिछा रहे हैं। तो आप जो है अपनी असील को खोलते हैं यहाँ से, और जो है वहाँ पर दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं इनको। ये खोल आ गए बाहर, गेट इनका बंद करके अभी जो है अंदर से सफाई भी करनी है, क्योंकि मिट्टू को रखेंगे इसमें। ये पता नहीं थोड़ा सा जाने में मसला करें, क्योंकि पहला दिन है ना इनका, तो इस वजह से ये इनको आदत है उस वाले पिंजरे में बंद होने की। तो देखते हैं अभी ये बंद हो पाते हैं नहीं हो पाते, कि उस तरफ ही जा रहे हैं जो हमारा पिंजरा लोहे का रखा हुआ है वहाँ पर। बस बंद तो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बार बार उसी तरफ जा रहे थे, लेकिन मैंने इनको पकड़ के जो है इसमें बंद कर दिया है, तो ये इसमें जैसे डर वर भी नहीं रहे, तो आराम से ये इसमें घूम रहे हैं, क्योंकि मट्टी डली हुई है ना, तो मट्टी जो है ऐसे ही खुश हो जाता है। अभी जो है मैं इनको खाना पानी रखता हूँ इसमें, और हमारे मिट्टी के लिए नया पिंजरा तो कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, तो अभी इनको भी उसमें शिफ्ट करेंगे। और इस केज में कम्प्लीटली मेरे पास जो है सारी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पे जो है मेरे पास कटोरी भी आ गई है, और दूसरी वाली कटोरी भी इसी तरह की तार वाली है कुंडे में टाँकने वाली, तो हमारे पास दोनों कटोरियाँ आ गई हैं, और जो है वो मैं इसमें गेट में टाँक दूँगा। और दूसरी बात यह है कि दोनों कटोरियाँ हमें मिल गई हैं, और अभी देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमारे मुर्गा मुर्गी। तो भाई ये तो इनको मिट्टी मिल गई, और इन्होंने अपने पिंजरे में पूरी फैला ली है इसको, और आराम से ये इसमें रहेंगे। तो दोस्तों हमारी पूरे केज की सेटिंग हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, बस अब मैंने जो है हवा के लिए थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, क्योंकि जो है ना हवा के लिए इसलिए क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें मुर्गी थी, तो इस वजह से स्मेल होगी इसमें,
थोड़ी हवा वगैरह लगेगी तो ये नीचे से भी हट गया जो मैंने बिछाया हुआ था, इस वजह से अब ये हवा लगेगी ना तो थोड़ा सही हो जाएगा, इस वजह से मैंने ये तो अभी जो है इसको थोड़ी देर बाद इसमें जो है ऊपर तोते बंद कर देंगे हम। और सबसे अच्छा काम हमारे पास ये हो गया कि ना इस लकड़ी के अंदर आराम से ये फिट हो गई हैं दोनों कटोरियाँ, और जो है आप गिर भी नहीं सकती, बिल्कुल सही बन गई हैं, बिल्कुल टाइट हो गई हैं। तो अभी जो है मैं इसमें लगा दूँगा तो कोई मसला नहीं होगा मेरे को। तो अभी मैं इसको अंदर करता हूँ मुर्गे को, और जो है इनको मैं लगा देता हूँ कटोरी को। बस मेरे को यही डर था कि नहीं कटोरी हिले नहीं, लेकिन जो है इस लकड़ी में बिल्कुल फिट आई हैं, अभी आराम से खाते पीते रहेंगे और जो है गिराएंगे भी, क्योंकि पानी जो है ना गिरा देते थे तो इस वजह से ये वाली कटोरी मुझे लानी पड़ी थी, और ये कटोरी इसमें भी फिट आ गई है। तो अभी मैं इनको कर देता हूँ बंद, और ये हो गए हमारे दोनों पिंजरे तैयार, बिल्कुल जिस तरह से मैं चाह रहा था बिल्कुल उसी तरह से जो है गैलन वगैरह लग के और बिल्कुल तैयार हो गए। तो अभी जो है गेट भी नहीं हिल रहे, ना इसका हिल रहा ना उसका, उसका तो हिलता ही नहीं था तो वो तो बिल्कुल सही है, इसका थोड़ा सा डर था तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। बस थोड़ी सी ऊपर से जगह खुली हुई यहाँ से, तो यहाँ से तो इतना कोई मसला नहीं है, ना बिल्ली घुस सकती, तो आराम से सही है, क्योंकि बड़े भी है ना तो इस वजह से अगर मैं छोटे रखता तो बिल्ली का भी डर होता, तो ये बिल्कुल सही है अभी। तो वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन उसके लिए वीडियो आज बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि यार सारा कुछ हो गया, पिंजरा भी हमारा सेटिंग हो गया, और जो है दूसरा पिंजरा खाली भी हो गया, और हमारे मिट्ठू भी जो है दूसरे पिंजरे में शिफ्ट हो गए, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन यार आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त हुई है, क्योंकि यार सारा कुछ हो गया है, हमारा असील का सेटअप भी हो गया है, वो दूसरे पिंजरे में शिफ्टिंग हो गई है, और जो है हमारे तोते की भी जो हैं दो चिक्स हैं तोते वाले, उनकी भी दूसरे पिंजरे में सेटिंग हो गई है। तो इस वजह से मज़ा ही आ गया है, आज दोनों काम आराम से हो गए और जल्द से जल्द हो गए, सेटिंग वगैरह बिल्कुल अच्छे से हो गए, पानी भी इसमें ही आ गया है, और आराम से पी भी रहे, गिरा भी नहीं रहे, और मैंने यहाँ पे ब्लॉक भी लगा दिए, तो अब ये गेट भी बिल्कुल नहीं खुल रहा। जैसे इन कुछ ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि इनको अभी इसमें जो है डाल देते हैं, क्योंकि जो है ना ये गंदा हो रहा है पिंजरा, तो इस वजह से अब इसको साफ़ करूँ, फिर जो है इस वजह से ये फेंक देंगे जो इसमें बिछा हुआ है। तो मैंने ये साफ़ सुथरा कागज़ लगा दिया इसमें, इसमें ही इनको जो है शिफ्ट कर देते हैं अभी के अभी। तो गेट मैंने खोल दिया, और अब देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, उस तरफ का भी गेट खुला हुआ है बड़े पिंजरे का, और जो है छोटे का भी खुला हुआ है, तो अभी ये देखेंगे तो फिर ये खुद चले आएंगे उसमें। यार ये तो जा ही नहीं रहे, काफ़ी देर से ऐसे ही लेके खड़ा हूँ, जा ही नहीं रहा अंदर, क्या है भाई उस तरफ मुँह तो करो। तो फाइनली एक जो है तोते ने एंट्री कर ली है, बस वो जाने वाला है उस वाले पिंजरे में, क्योंकि मैंने जो है ना इससे थोड़ा सा इसको डराया तो ये उस तरफ हुआ, और उस तरफ होने के बाद जो है खुद चले गया। तो शुक्र है भाई चले गए दोनों, काफ़ी देर के बाद जो है तोती इसमें आई है, मेरा तोता तो पहले ही चले गया था लेकिन तोती ने थोड़ा सा देर कर दिया। ठीक है फिर यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।